भले ही लोग जागरूक हों, शिक्षित हों, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रैफिकों के नियमों से कहीं ना कहीं अनजान दिखाई दे रहे हैं, या कह सकते हैं कि जानबूझकर जल्दबाजी के चक्कर में अपने सिग्नल तोड़ रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए, ये बाकायदा स्टॉप लाइन बनी हुई है और इस स्टॉप लाइन होने के बावजूद भी लोग इन्हीं स्टॉप लाइन पर खड़े हुए दिखाई देते हैं। जबकि ट्रैफिक नियमों की अगर हम बात करें तो स्टॉप लाइन पर खड़े होने के बावजूद भी चलान होता है। अगर ट्रैफिक चौराहे को हमेशा ही नियमों के साथ संचालित करने वाली क्या कहते हैं चाहेंगे, हम देख रहे हैं कि लोगों को जानकारी का अभाव माने या जानबूझकर लोग व्हाइट पट्टी पाकर खड़े होते हैं। महोदय, लोगों को बार बार पिछले माह दो माह पहले भी पूरा है रोक रोक के बताया गया है और अब भी लगातार लोगों को जागरूक किया जाता है, लेकिन फिर भी पब्लिक नियमों को अनदेखी करती है। आप चौराहे पे हैं, देख लेना, एक घंटा या 10 मिनट भी देख लें तो पब्लिक नियमों की अनदेखी कर रही है जानबूझ के। सामने देखिए ये गाड़ियाँ, फिर देखो हम दिखा सकते हैं कि ये लोगों को समझा भी रहे हैं कि जो काफ़ी वाइट पट्टी पे आगे आ गए हैं स्टॉप लाइन से आगे, आपका जो है क्या कहना चाहेंगे भैया इसका, जैसे कि अगर आपने नियम के अंदर खड़े तो हो गए, लेकिन क्या पता है कि आपको इसके आगे खड़े होते ही आपको चलान हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई इसलिए खड़े हो गए। नहीं, वैसे जानकारी है कि बाइट बस चलान हो गया क्या मेरा? क्यों, आपको ये नहीं पता कि बाइट पट्टी क्रॉस करते ही चलान हो जाता है? नहीं सॉरी, स्टॉप लाइन पे खड़े हो, सॉरी मैं पीछे ले लेता हूँ अभी। सर देख रहे हैं मेरठ में अपने ट्रैफिक व्यवस्था सही रहे उसके लिए IDMS भी लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नियमों से अनजान हैं, अब भी जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़े रहते हैं, कितने चलान हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मेरठ में ITMS 8 चरणों को आरम्भ किया गया है उसको प्रगति है, उसमें पहले लोग बिल्कुल नहीं रुकते थे रेड लाइट पर, लेकिन अब डरते भी हैं और समझते हैं, रुकने लगे हैं। जहाँ तक हम टाटा की बात करें तो जनवरी से लेकर अभी तक रेड लाइट वायलेशन के करीब 54,000 चालान हो चुके हैं और स्टॉप लाइन जेब्रा लाइन से पहले एक वाइट कलर की स्टॉप लाइन लगी होती है उसके वायलेशन के करीब 24,000 से अधिक चालान हुए हैं। हमारा उद्देश्य लोगों को समझाना है, आपने भी देखा होगा लगातार अनाउंसमेंट होता रहता है कि अगर आप स्टॉप लाइन को क्रॉस करेंगे, रेड लाइट का वायलेशन करेंगे तो आपका जुर्माना किया जाएगा, चालान किया जाएगा। अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है, फिर भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग अभी बीच से बचे। बताते चले कि अब तक के जो कुल चलान हुए हैं उसमें 24,000 से अधिक चलान स्टॉप लाइन पर खड़े होने के ही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में सुधार देखने को नहीं मिलता। भले ही इन्होंने सिग्नल को देखने के बाद अपनी गाड़ी रोक दी हो, लेकिन जहां गाड़ी रोकनी चाहिए थी उस स्थान पर इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, यही कारण है इसी तरह के चलान हो रहे हैं, जो लोग नियमों का तो पालन कर रहे हैं लेकिन नियमों के अनुरूप नहीं कर रहे। न्यूज 18 मेरठ से विशाल पटनागर की रिपोर्ट।